और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई करने गए कई छात्र वहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार उनकी वतन वापसी में लगी हुई है। कुछ छात्रों की वतन वापसी भी हो चुकी है। जो भारत वापस आ चुके हैं वह अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं और अपने मित्रों की भारत वापसी की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जालौन के बेटे की घर वापसी पर परिजनों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मोदी जी के आभारी हैं और मैं एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे फंसे हैं वो जल्द से जल्द अपने वतन वापसी करें। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें न्यूज बीके, मैं हूं आपका अपना दिवेश। यूक्रेन से भारत वापस आए छात्र विकास गुप्ता से बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे। देर रात जो है मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए गए विकास गुप्ता। आपको बताते चले कि जरपा जालौन के चार छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, छाया यादव, विकास गुप्ता, आकृति श्रीवास्तव और बिंदु त्यागी। बिंदु त्यागी भी कल जनपद जालौन के अपने उरई नगर स्थित अपने आवास पर आई हैं, परिजनों से मिली हैं, उनकी खुशी भी देखने लायक थी। और आज देर रात विकास गुप्ता और आकृति श्रीवास्तव, ये तीनों बच्चे जनपद जालौन सकुशल वापस आए हैं। माता पिता से भी बात करेंगे कि क्या उनके मन में धारणा रही है, विकास से भी बात करेंगे कि मिशन गंगा जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया जिसके तहत उनको एयरलिफ्ट किया गया उसके बारे में उनका क्या धारणा, वहाँ के हालात कैसे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएँ कैसी थी, वहाँ की आर्मी का इनके प्रति रवैया कैसा था या किन परिस्थितियों में ये वहाँ रहे और कैसे वहाँ से बाहर निकले, इस पूरे मिशन पर चर्चा करेंगे अभी फिलहाल विकास गुप्ता से। विकास, हम आपसे बात पूछना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कहाँ पढ़ने गए थे। मैं यूक्रेन पढ़ने गया था, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जी। एमबीबीएस मैं स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पर मेडिसिन। मैं वहाँ पर मेडिकल स्टडी करने गया था वहाँ पर। और तो हमें आप ये बताइए कि वहाँ पर इस समय युद्ध के हालात हैं, तो वो युद्ध का मंजर आप लोगों ने कैसे देखा, कैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं? युद्ध का मंजर हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया क्योंकि वहाँ पे हम लोग खुद बंकर में थे जी। क्योंकि जब हम लोगों को खाना सही से प्रोवाइड वहाँ पर नहीं होता था जी और हम लोग वहाँ पर नीचे रहते थे, ऊपर से बॉम्ब वगैरह गिरते थे, बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती थी जी। हम लोग सब जो जब फर्स्ट डे हुआ ये सब तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, किसी को आइडिया नहीं था कि ये सब होने वाला भी है जी। क्योंकि उसके एक दिन पहले हम लोग क्लास अटेंड करने गए थे जी, हम लोग अपने फ्लैटों पे लेटे हुए थे और जब बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी तब तो हम लोग तो सोए हुए थे, तब हम लोग पास कॉल आने लगी दोस्तों की और वीडियोस वगैरह आने लगी और तो हम लोग उठे तब देखा कि बाहर पूरी भगदड़ थी वहाँ पे जी। तो हम लोग ने सबसे पहले उठे, हम लोगों ने सबसे पहले ग्रॉसरी स्टोर भागी क्योंकि सबसे पहले ऐसा जब होता है वॉर का टाइम होता है तो खाना ग्रॉसरी सब जी लोग खाली करते हैं जी क्योंकि स्टॉक रखते हैं अपने जी, पास जी। और एटीएम वगैरह सब खाली हो गए थे वहाँ पे जी। तो हम लोग ने जल्दी से कुछ खाना लेके आए क्योंकि कुछ क्या पता किस अगले दिन कैसे गुजारने। अच्छा, जिस बंकर में आप तो उस समय आपके साथ कितने बच्चे मौजूद थे? जब हम बंकर में थे तो हम लोगों के साथ 100-150 स्टूडेंट्स होंगे और वहाँ की लोकल लोग थे, यूक्रेनियंस लोग और छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, वहाँ के जो यूक्रेनियंस होते हैं। अच्छा, तो आपने उस समय उन हालातों से आपने फेस किया है जब बमबारी होती थी, तो उस समय आपके साथ साथ जो वहाँ मौजूद लोग थे वो कैसे रहते थे, कैसे वो क्या उनका रवैया था? वो लोग, उन लोगों का रवैया हम लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं था कि हम लोग फॉरेनर हैं बेकार ट्रीट करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं यूक्रेनियंस। वो लोग हम लोगों के, मुझे याद है कि मैं वहाँ पे था तो खाना नहीं था हम लोगों के पास, एक पूरी रात थे तो वहाँ के एक बूढ़ी लेडी आई, उन लोगों ने दूध का पैकेट दिया, ब्रेड का पैकेट दिया। तो उन लोग, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं यूक्रेनियंस, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जिस समय बमबारी हो रही थी उस समय आपके परिजन आपके संपर्क में थे तो आप उन्हें हौसला बढ़ा रहे थे या वो आपको हौसला दे रहे थे? मैं हौसला बढ़ा रहा था क्योंकि मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे जी, उसकी जो माता जी थी वो इतना पैनिक कर गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा जी। तो मैं यही चाहता था कि किसी के भी पेरेंट्स हो मेरे दोस्त के और मेरे खुद के पेरेंट्स हो, ऐसे हालात हों कि उनका उनकी तबीयत खराब हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स की यही होगा तो जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं तो उनका क्या होगा। इसलिए उनके, वो मेरा दोस्त था, उसकी माँ, उसकी मम्मी से मैंने बात की कि आप पैनिक मत कीजिए, आप सही रहिए। वहाँ से निकालने के लिए क्या कोई राजदूत के एम्बेसी की ओर से मैसेज कन्वे हुआ था या आप लोगों ने स्वयं प्रयास करके बाहर निकले थे? बस यही चीज सब लोगों में है कि वहाँ की जो एम्बेसी थी
यूक्रेन के अंदर जी। यूक्रेन की एम्बेसी ने हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग तक है इवन के, लेकिन भारत सरकार ने, ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने मदद की, भारत सरकार ने मदद की पूरी वहां से निकल के, लेकिन जो यूक्रेन के अंदर जो एम्बेसी थी उन लोगों का बिल्कुल रवैया बेकार था। उन लोगों ने हेल्प ही नहीं की, खाना वगैरह प्रोवाइड था जो हम लोगों की बॉपटेट थी, हम लोग के एजेंट लोग संभाल लेते, वो लोग वॉर के टाइम में इतनी भीड़ के टाइम में वो लोग जाते थे, खाना लेके आते थे, हम लोग को खाना प्रोवाइड कराते थे हम लोग। अच्छा, जिस समय जब आप लोग बंकर से निकले हैं और आप लोगों को वहाँ किस देश की सीमा से आप लोग एयरलिफ्ट किए गए? हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, हम लोग के ऑप्शन थे कि हंगरी, पोलैंड और हम लोग निकल सकते थे स्लोवाकिया वगैरह से। अच्छा, तो आप कहाँ से एयरलिफ्ट किए गए? मैं पोलैंड के थ्रू निकला था। अच्छा, पोलैंड के थ्रू। तो बंकर से पोलैंड के सीमा तक जाने का सफर, वो उसका अनुभव बताइए जरा। सर देखिए, सभी लोग अपने अपने मेट्रो स्टेशन में थे, बंकर में छुपे हुए थे, कोई कोई अपने फ्लैट के बंकर में छुपा हुआ था, लेकिन बस एक हिम्मत दिखानी थी कि ये हम लोगों ने अपने ऊपर रिस्क लिया था, अगर कुछ होगा भी तो हम लोग अपने जिम्मेदार खुद होंगे, ये बोला गया था, क्योंकि एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही थी। 5 दिन ऑलरेडी हो गए थे जी। कब तक हम लोग नीचे छुपे रहते, और वहाँ के जो स्टोर थे वहाँ पे खाना खत्म हो रहा था, तो ऐसे छुपे रहते तब निकल ही नहीं पाते। तो हम लोगों ने एक स्टेप किया, हमने कहा कुछ भी हो अब बस जाना है यहाँ से। हम लोग ट्रेन स्टेशन पे गए, वहाँ पे देखा कि इतनी भगदड़ थी, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, फॉरेनर है क्योंकि हम लोग, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अच्छा, आरोप ये भी आ रहे थे कि वहाँ यूक्रेनियन जो गवर्नमेंट थी या उनके जो सिपाही थे वो इंडियंस को रोक रहे थे, मारपीट कर रहे थे, ऐसा क्या? ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेनियंस जो सोल्जर हैं वो बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं, वो लोग ने खुद प्रोवाइड खाना कराया है, प्रोवाइड कराया है, और वो लोग यूक्रेनियंस आर्मी है, वो लोग बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं रशियंस के थ्रू। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस समय केंद्र सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया, मिशन गंगा, जिसके तहत आप लोगों को एयरलिफ्ट करके यहाँ तक लाया गया है, तो मिशन गंगा के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मिशन गंगा ये भारत सरकार का बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि बहुत तेजी से अब इवैक्यूएशन हो रहा है, हर एक एक घंटे में वहाँ से फ्लाइट है, हर एक एक घंटे में वहाँ से फ्लाइट हो रही है, अब जल्दी से जल्दी बच्चों को निकाला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ से इवैक्यूएट हो गए हैं जी, और अभी कुछ ही बच्चे जो है खारकीव में, मेरे दोस्त हैं जी, वो खारकीव के पास में, उन लोगों को बोला गया था कि एमसी के द्वारा कि आप खारकीव से थोड़ी दूर पे एक गाँव है तो आप खुद वहाँ से निकल जाइए, तो फ्लैट खाली किए। तो हम लोग के जो एजेंट है, बॉपटेड एजेंट है हरदीप सिंह और करण संधु सर, वो लोग स्वाधीन सर, वो लोग खुद बच्चों को पैदल पैदल एक गांव में, पास में सियोपिन गांव है जी, वहाँ पे ले गए हैं, और वहाँ पे अभी वो लोग स्टे कर रहे हैं। अब देखिए, अब धीमे से धीमे धीमे अब वो लोग सर 70, कल बच्चे 70 निकले हैं पोलैंड और हंगरी की बॉर्डर साइड। अच्छा, अब आप लोग अपने घर वापस आए हैं, अपने वतन वापस आए हैं, अपने माँ बाप से मिले हैं, तो माँ बाप की जब आप मिले थे तो उस समय का मंजर कैसा था, आप भावुक का वो जरा से एक बता दीजिए। वो तो होता ही है कि इतने आप पूरी अपनी जान पे खेल के इतनी दूर से आए हैं, फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना, इतनी आर्मी फेस करना, इतने चेक पोस्ट थे वहाँ पे कि हम लोग डरे हुए तो थे। हम लोग ने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था कि सामने से टैंक निकल रहा है, रशियन आर्मी निकल रही है, बॉम्ब हो रहे हैं और सामने से बच्चे रो रहे हैं। हम लोग ने इवन ये तक देखा है कि मेट्रो के अंदर बच्चों की डिलीवरी तक हुई है, तो आप लोग सोच सकते हैं कैसी कंडीशन। अच्छा, इस समय देश में विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मिशन गंगा को लेकर सवाल उठा रही हैं, वो कह रही हैं कि आप किसी बच्चों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत पहले करना चाहिए था, तो क्या इस समय सियासत करना ज़रूरी है या एक देश को एकजुटता दिखानी जरूरी नहीं है? सियासत करना ये ज़रूरी नहीं है, एकजुटता ये जो यूनिटी है जी, ये एक यूनिटी ये दिखानी चाहिए, क्योंकि पूरी कोशिश कर रही है भारत सरकार जितनी से जितनी हो सके, उन लोगों ने पूरी ट्राई कर रही है रशिया से, उन लोगों ने अभी टाइम भी लिया था 6 घंटे का कि हम लोगों को बच्चों को अब, लेकिन वही सरकार जो तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की ये कूटनीतिक विजय मानते हैं आप या रूस का एक दयापल? रूस का ये भारत सरकार का एक कूटनीति, भारत सरकार स्ट्रिक्ट है, उन लोगों को मानना पड़ेगा जी। भारत सरकार पावर में है जी। ऐसा नहीं है इंडिया की पावर ना हो, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन है जी, सभी लोग उसकी सुनते हैं, और इंडिया ने यूक्रेन की भी हेल्प की है काफी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आखिरी ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय लाखों बच्चे यहाँ देश से बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, व्यवसायिक शिक्षा के लिए, चाहे वो चिकित्सीय शिक्षा हो या अन्य जो व्यवसायिक शिक्षा है, तो क्या भारत में ये पहल होनी चाहिए कि बच्चे बाहर ना जाएं?
नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्टडी है, स्टडी आप भारत में भी कर सकते हैं चाहे बाहर भी कर सकते हैं, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता कि किस जगह आप पढ़ सकते हैं, बस आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए और बच्चे के अंदर नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो आके FMGE एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेता है तो क्या दिक्कत है जी। सब आपको उसको नॉलेज तो है। और मैंने देखा है मेरे यहाँ के जो एक अभी नागेंद्र पाल हैं मेरे सीनियर हैं सिक्स ईयर के, उन लोगों उन्होंने USMLE क्लियर किया है, FMGE क्लियर किया है, प्लैब क्लियर किया है। मेरा पूछने का सवाल मकसद सिर्फ इतना है कि इस समय क्या भारत में ऐसी जो वैश्विक स्तर की चिकित्सा या सेवाएं या शिक्षाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर ना जाएं, अपने देश में रहकर पढ़ें? सभी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, बस ये होना चाहिए कि जो इतनी जो फीस हाई होती है जी वो थोड़ा देख के कर देनी चाहिए। और हम जैसे जनरल लोगों की होती है कि इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है कि हम लोगों को मजबूरी में तो मतलब कहीं ना कहीं फीस का जो बढ़ापन है उसको कम होना चाहिए और सीट्स की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हाँ फीस का, और क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि करोड़ रुपए दें 1.5 करोड़ रुपए दें, इतना नहीं है हम लोगों के पास वहाँ पे, इसीलिए हम लोग जाते हैं कि थोड़ा फीस कम होती है और वहाँ पे। लेकिन देखिए पढ़ाई तो अपने ऊपर होती है, वो लोग हम लोग खुद पे कर लेंगे जी। थैंक यू, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।